A proton carrying 1 mega electron volt kinetic energy is moving in a circular path of radius r in a uniform magnetic field. What should be the energy of an alpha particle to describe a circle of same radius, same field? इस क्वेश्चन में जो हमें पता है r equal to होता है root 2 m k by q b. तो यहाँ पे r जो आएगा दोनों साइड स्क्वायर कर दो, ये आ जाएगा 2 m k by में q स्क्वायर by b, b स्क्वायर. तो यहाँ से k की जो वैल्यू आएगी वो आएगी r स्क्वायर q स्क्वायर b स्क्वायर by में 2 m के बराबर. ये सेम क्वेश्चन मैंने अभी करा है इस क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, बस लैंग्वेज थोड़ी अलग दे रखी है. 2015 में जो आया हुआ क्वेश्चन है ये भी, इस क्वेश्चन इसका आंसर भी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसमें भी सेम वैल्यू दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड और रेडियस दोनों का बराबर है, बस एक की काइनेटिक एनर्जी दे रखी है प्रोटॉन की, इसमें दे रखी है अल्फा पार्टिकल की पूछी है. तो इसका आंसर जो है मैंने इस तरह की यही फॉर्मूला लगाया है, के इक्वल टू आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बाय 2 एम. तो यहाँ पे के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाय एम के. तो सेम फॉर्मूला इसमें लगेगा, यहाँ पे भी जो k है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाय एम के. तो इसको सोल्व करोगे तो अल्फा पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आएगी.